जय हिंद बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं आगे नेक्स्ट पढ़ने आपका डीप डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का नया लेक्चर। हम लोग का आज का लेक्चर है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन। डी ब्रोगली ब्रोगली है, मोगली नहीं सर, आप मोगली बना। डी ब्रोगली वेवलेंथ लेकिन इसके पहले आइए समझते हैं कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था। सुनिए, डी ब्रोगली ने, पूरा नाम था लुईस डी ब्रोगली, इन्होंने 1924 में कहा था कि ऑल दी मटेरियल पार्टिकल्स एसोसिएटेड वेव विथ इट, जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं वो सभी अपने साथ वेव रखते हैं, और चाहे वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी पार्टिकल हो, सभी अपने साथ वेव एसोसिएट करते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा। और इन्होंने इससे रिलेटेड इन सब के लिए, तो अगर आपको पता है कि कोई पार्टिकल अगर मोशन करता है उसके मोमेंटम होता है उसमें पी इक्वल टू एम बी, तो इन्होंने भी लाइट पार्टिकल के जो फोटॉन है उसके लिए भी इन्होंने उसका मोमेंटम फाइंड किया। कैसे, आइए समझते हैं। तो आइंस्टीन का इक्वेशन से आप लोग को, आइंस्टीन के रिलेटिविटी इस इक्वेशन से आप लोग को पता है कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और उसके पहले आपको अभी पता चल गया है कि आइंस्टीन ने कहा था कि एक फोटान की एनर्जी एच न्यू होती है, बताइए ना एक फोटान की एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल टू एच न्यू। एंड आइंस्टीन ने कहा था कि कोई अगर पार्टिकल है उसका मास अगर एम है और अगर वो लाइट के स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी, वो एनर्जी पार्टिकल है, वो एनर्जी के फॉर्म में बन जाता है। और पता है आइंस्टीन ने कहा था कि अगर अगर इसको आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा दीजिए तो इसका लेंथ जीरो हो जाएगा, इसका लेंथ जीरो हो जाएगा और पूरा और वो पूरा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मास में भी कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे। तो यहाँ पर सुनिए, तो एनर्जी, एनर्जी बहुत अच्छा एग्जांपल है वहां पर इसका। तो एनर्जी कितना, अब बताइएगा अगर कोई मास m है और वो लाइट के स्पीड से मोशन कर रहा है तो रिलेटिविटी से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का कहता है इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। जरा इस दोनों को बताइए, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, एक ही पार्टिकल के मास के लिए, अरे फोटॉन के लिए लिखा गया है, फोटॉन की स्पीड c होती है ना, तो फोटॉन पार्टिकल के लिए लिखा गया। एक बात और सुन लीजिए, याद रखिएगा रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, फोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है, जीरो, जीरो, मतलब फोटॉन रुका हुआ होता है तो उसका मास जीरो होता है ना। फोटॉन एनर्जी पार्टिकल है, वो रुका हुआ नहीं होता, मटेरियल पार्टिकल नहीं है, वो एनर्जी पार्टिकल है। आइए अच्छा दोनों को इक्वेट कराइए बेटा, तो क्या मिलेगा, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो बताइए एम इक्वल टू क्या मिला, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अरे बेटा जरा बताइए, वी नो दैट अब गुस्से में रहना है तो लिख देना you know that, तुम जानते हो, एग्जामिनर घर आके मार के जाएगा इधर। तो we know that, हम क्या जानते हैं, momentum is equal to mv, बोलिए बेटा हम जानते हैं कि कोई एक पार्टिकल है जो कि वी वेलोसिटी से अगर मोशन कर रहा है और उसका मास m है तो उसका वो मोमेंट, उसका मोमेंटम कितना होता है, p equal to mv होता है। तो अगर मैं कह दूं यहाँ पर लाइट पार्टिकल है तो फॉर लाइट पार्टिकल, तो b is equal to m, m का वैल्यू बोलिए, h न्यू अपॉन c स्क्वायर इनटू c, ठीक है ना, अरे c से c कट गया, एक हो बन गया लस्सी अपॉन में गया c p, अरे इतना समझ में आया कि नहीं, अरे याद करो वो दिन, याद करो बेटा, याद अच्छा नहीं आया, तो लो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी याद इधर m इधर है
एमिटर, सुनो वेलोसिटी या यहाँ पे स्पीड कर दो, लेकिन वो अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता वैसे होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी, तो डिस्प्लेसमेंट अरे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से बताओ वेलोसिटी को हम लोग लाइट की बात करेंगे तो वेलोसिटी को सी लिखेंगे ना, सी। अरे डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, लैम्डा। अरे वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लैम्डा। और वन अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं न्यू। अरे बोलो तो यहाँ से मुझे आप बताइए बताइए, तो इसको अगर हम इसको न्यू को इधर लाए तो सी अपॉन न्यू इज इक्वल टू लैम्डा, या सी को उधर भेज दे तो वन अपॉन न्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन सी। या अगर मैं ऐसा भेजू लैम्डा को इधर, कहाँ गया जी, उल्टा हो गया का, वन अपॉन ए सी आएगा तो अपॉन में, चलो ठीक है अच्छा। तो अगर यहां से मैं लैम्डा का वैल्यू केवल लैम्डे था बस उसी की जरूरत तो थी, सही हो तो गया। इधर सुनिए, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, तो लैम्डा का वैल्यू आएगा सी अपॉन न्यू। तो आइए यहाँ पर रखते हैं न्यू अपॉन सी है तो वन बाई लैम्डा होगा। अरे बेटा बताइए ये बताइए, यहाँ से सी अपॉन न्यू इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पर क्या है न्यू अपॉन सी, मतलब इसका उल्टा है कि नहीं, इसका उल्टा है ना, तो इसको न्यू अपॉन सी करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर न्यू अपॉन सी की जगह लिख दीजिए वन अपॉन लैम्डा, तो पी इज इक्वल टू कहा जाएगा, पी इज इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा। ये क्यों सीन सर, सीन सर न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा, बोलो बेटा समझ में आएगा। तो p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इज द, बेटा p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इज द डिब्रोगली वेव इक्वेशन है बेटा। वेव कैसे होगा, लैम्डा इधर आएगा तो ना, तो आइए एक लाइन हम टीका जाए बताइए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, लैम्डा इज इक्वल टू आया एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, यानी प्रूफ करने को पूछा है आपके पेपर में, यस सर। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ये किसके लिए, फॉर प्रोटॉन, अरे सॉरी फोटॉन, अरे किसके लिए, फोटॉन पार्टिकल के लिए। अगर फोटॉन के जगह कोई और पार्टिकल होगा तो सी के जगह वी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अरे मोमेंटम के जगह क्या होता है, एम वी होता है कि नहीं, न्यूट्रॉन। मोमेंटम के लिए एम पी होता है कि नहीं, लेकिन फोटॉन होगा तो क्या होगा, सी होगा। और कोई ऑर्डिनरी पार्टिकल होगा तो क्या होगा, वी होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगाएंगे, यह लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइट के स्पीड से मोशन नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, सीधी सी बात, लाइट को छोड़कर, मतलब कि फोटॉन को छोड़कर कोई भी पार्टिकल है तो उसके लिए वेव इक्वेशन क्या होगा, वेवलेंथ इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सुना क्या, यस सर। Thanks for watching.